जय हिंद कैडेट्स। तो आज हमारे क्रैश कोर्स का 7 डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं मैप रीडिंग। तो कैडेट्स, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे एनसीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 3 तारीख से शुरू हुआ था। तो कैडेट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैप रीडिंग। इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, कंपास क्या होता है, और कौन कौन से उसके हिस्से पुर्जे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो कैडेट, सबसे पहले जो हमारे पास में आता है इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग, यानी कि मानचित्र पढ़ने का परिचय। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि हमारे जो मैप्स है, कन्वेंशनल साइन है, और जो स्केल एंड ग्रिड सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैडेट, एक मैप क्या होता है, तो मैप कोई भी कपड़े या गत्ते पर बना हुआ वह टुकड़ा होता है जिसके ऊपर किसी भी जमीन के निश्चित भूभाग को किसी भी निश्चित स्केल द्वारा किसी रूढ़िवादी चिन्हों की मदद से दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। यानी कि एक जो अपना सिलेक्टेड जो नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स है, द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक जो हमारा निश्चित जो भूभाग है उसको हम रूढ़िवादी जो कन्वेंशनल साइन है उनकी मदद से क्या करेंगे, एक निश्चित हमारा स्केल होगा, यानी कि जो हमारा डेफिनेट स्केल होगा उसकी मदद से हम उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को अपन क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। इसके बाद में कैरेट्स हमारे पास में आते हैं कन्वेंशनल साइंस, यानी कि रूढ़िवादी चिन्ह। ये क्या होता है कैरेट्स, कन्वेंशनल साइन आर सिंबल्स यूज टू प्रेजेंट सर्टेन आर्टिफिशियल नेचुरल फीचर ऑब्जेक्ट ऑन दी मैप, यानी कि जो भी हमारे जो ग्राउंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उनको मैप के ऊपर दर्शाने के लिए हम कुछ रूढ़िवादी चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो कुछ रूढ़िवादी चिन्ह हम देख लेते हैं, जैसे अगर कोई रोड हो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये रोड के लिए ऐसा सिंबल होता है। फिर हमारा रोड अनमेटल्ड विद किलोमीटर, यानी कि वो एक प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ, यानी कि ये आपका अनमेटल्ड रोड। फिर हमारा जो कार ट्रैक या फिर कैमल ट्रैक, जो हमारा कच्चा रास्ता की बात करें तो हमारा किस तरह से हो जाएगा कैंडिडेट्स, ये हमारा कच्चा रास्ता हो जाएगा। फुटपाथ की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसे हो जाएगा कैडेट्स, डॉट 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 करके फुटपाथ हो जाएगा। फिर हमारा जैसे स्ट्रीम, तो ऐसे पानी की स्ट्रीम चली जाएगी, लेवल क्रॉसिंग, यानी कि ये क्रॉस कर रहा होगा। ब्रिज विद पियर्स एंड विदाउट कोज और फोर्ड, ये जैसे अलग अलग आप देखेंगे ब्रिज है, तो ब्रिज के लिए हम कैसे करेंगे, इस तरह से बना देंगे अलग अलग इसके। फिर हमारे पास में स्ट्रीम, अगर कोई पानी का कोई झरना होने जा रहा है तो हम कैसे नॉर्मली ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है कैडेट्स, ये हमारा चलता रहेगा। अभी अगर इसके ऊपर कोई ब्रिज होगा तो आपको पता ही है कि ये आपका ब्रिज हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर बेड्स, ये आपकी सूखी हो सकती है तो इस तरह से रहेगी, विद स्ट्रीम रहेगी तो आप इसके अंदर जैसे आपके रिलेटिव डालोगे, आप इसके अंदर विद आइलैंड एंड रॉक्स, तो आप इसके अंदर जैसे लिख दोगे रॉक्स वगैरह का। फिर हमारे पास में कैडेट्स टाइडल रिवर, रिवर का हमने आपको पहले बताया कि ऐसे अब इसके अंदर पानी बह रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डॉट डॉट कर देंगे। फिर हमारा समझ रॉक्स, तो उसके अंदर जैसे ये जो पानी के अंदर जो है रॉक्स है। फिर हमारा जो वेल, यानी कि आप जो कुएं की बात कर रहे हो, तो कुआ कैडेट्स खाली भी हो सकता है और भरा भी हो सकता है, ठीक है कैडेट्स। तो ये हमारे पास में जैसे इसका सिंबल दिया हुआ है ब्लू, और ये जो ब्लैक, ब्लैक का मतलब ये क्या है, खाली कुआ है, ब्लू का मतलब क्या है, भरा हुआ कुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स ये इनफ्लुएंट ड्राई स्वैम्प रेट्स, तो आप जैसे कोई भी पानी का जैसे कीचड़ वगैरह का एक स्वैम्प बन जाता है जो आप बात करेंगे। फिर हमारे पास में एम्बैकमेंट्स है रोड और रेल का, जैसे मान लो हमारा ये जो है रोड है, इसके ऊपर जैसे ये एम्बैकमेंट्स हो गए, फिर ये इस तरह से जो हमारे पास में दिया होएगा, यानी कि आप जो दीवार चार दीवारी की बात करते हैं, यानी कि आप कोई सुरंग की बात करते हैं, वो सारे इसके अंदर ऐसे दिखाया रहेगा। इसके बाद कैडेट्स हमारे जैसे ब्रोकन ग्राउंड, टूटा फूटा ग्राउंड, उसको आप ऐसे ही शो कर देंगे, जैसे आपके टूटा फूटा ग्राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा कोई कैंपिंग ग्राउंड है, यानी कि इसको अपन किससे लिखेंगे, सीजी से। फिर हमारा जो है वेनो ट्रेल्स, यानी कि आप इसको इस तरह से एक जाल बना देंगे। फिर हमारा कैसे रेलवे की हम बात करें तो आपको कैडेट्स पता ही है ये आपका रेलवेज का हो जाता है, अगर डबल और सिंगल की आप इस तरह से अलग अलग होता है इसका। फिर हमारा जो रेलवेज विद गोज डबल सिंगल, इसके अंदर क्या होगा कैडेट्स, ये जैसे आपका सिंगल सिंगल है और ये आपका क्या है, डबल डबल रेलवेज का। फिर हमारा जो है लाइट रेलवे और ट्रामवे और टेलीग्राफ लाइन, ये जिस तरह से आपका जो है ना आपका लाइट रेलवे या ट्रामवे और टेलीग्राफ लाइन, इसका कैसे होगा कैडेट्स, ये सिंगल लाइन होगी और ये, या फिर आपका ऐसे लाइन लाइन करके आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद कैडेट्स हमारे पास आता है सर्किट हाउस, जैसे आप इनका क्या करेंगे, सर्किट हाउस तो सी एस लिख देंगे, डाक बंगला हो जाएगा ये, इसके बाद में आपका ट्रैवलर बंगला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेस्ट हाउस हो जाएगा। फिर हमारे जैसे बात करें इंस्पेक्शन बंगला, तो उसका सीधा कुछ नहीं करना आपको, EIB हो जाएगा, पुलिस स्टेशन आया तो PS हो जाएगा, और आपका जो है बुद्धिज्म क्या है तो आपका क्या हो जाएगा, KG। फिर नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट ऑफिस का, हम क्या कर देंगे, PO कर देंगे, टेलीग्राफ ऑफिस का TO, और कंबाइंड ऑफिस का क्या कर देंगे, PTO, यानी कि पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम दोनों एक साथ में। फिर हमारा बात करें अगर क्रेडिट्स फॉरेस्ट
फॉरेस्ट रिजर्व है तो ये आपका क्या हो जाएगा आरपी, स्टेट का है तो एसआर और प्रोटेक्टेड है तो पीएफ। तो इस तरह से आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये हमारे कन्वेंशनल साइन हो जाएंगे। देन क्रेडिट्स हमारे पास में आता है स्पेस्ड नेम्स, तो आप जैसे कोई भी प्रॉपर उनका कोई नाम हो कोई जगह का, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो ट्राइबल लोकल, तो आप उनको नाम के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे जैसे कोई गांव हो, एक तो उजड़ा हुआ गांव हो या एक जो प्रोटेक्टेड गांव हो, तो ओपन है तो उसको आप ऐसे स्कैटर्ड दिखाएंगे कुछ भी बना के ऐसे बिल्कुल अलग अलग सा। फिर हमारे पास कर वॉल्ड है यानी कि चार दीवारी हो रखी है, तो आप देख रहे होंगे कि चार दीवारी बना दी। फिर हमारे जैसे रूम है कोई टूटा फूटा उजड़ा हुआ गांव है फिर डिजर्टेड है, तो आप रैंडम इसका ये हो जाएगा। हमारे पास में क्रेडिट्स की बात करें तो ये जैसे स्कैटर्ड जो भी हट्स है, फिर हमारे जो परमानेंट है उसके लिए ऐसा हो जाएगा, टेम्परेरी के लिए तो ये अलग अलग हमारे सिंबल हो जाएंगे। फिर हमारे बात करें क्रेडिट्स जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे चर्च की अगर हम बात करें तो चर्च का आप ये देख लीजिए ऊपर क्या है आपका प्लस का साइन है। फिर मोस्क की अगर हम बात करें तो क्रेडिट्स ये हमारे पास में तीन इसके ये हो जाएंगे। टेम्पल की बात करें तो बड़ा सिंपल आपको पता ही है, आपका झंडा है और ये मंदिर हो जाएगा। पगोड़ा की बात करें तो बिल्कुल उसके जैसा ही है, आपका जो मंदिर है उसी के जैसा आपका पगोड़ा हो जाता है। ईदगाह की बात करें तो ऊपर जैसे आपके ये दो आपके ऊपर ये लगे रहेंगे। उसके बाद में आपका टॉम की बात करें यानी कि गुम्बद की बात करें तो ऊपर क्या होगा आपका गुम्बद बन जाएगा। तो ये जो लास्ट वाले ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्रेडिट्स अगर हम बात करें डैम्स की यानी कि अगर डैम बना हो तो ये इस तरह से अपन दिखा देंगे, रेड रोक के रखा आपने उसको, मेसनरी है तो उसका ब्लैक हो जाएगा, अर्थवर्क का काम चल रहा है तो मिट्टी का हो जाएगा ब्लू। इसके बाद में आपका ग्रास हाई, अगर ऊंचा ऊंचा है तो आप ऊंचे ऊंचे ग्रास तो आपको पता ही है कि ऐसे ही बनाते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में हमारा लो और इस तरह से आपके अलग अलग हो जाएंगे प्लांटेशन। फिर आप पाम सारे का जो पेड़ों की है, पाम कैसे इस तरह से होता है आपका, ये जो अलग अलग पेड़ों की शेप के हिसाब से उसको बना देंगे, जिस तरह से उनकी पत्तियाँ होती है और उनका जो क्रोन होता है उसी के हिसाब से उनका कन्वेंशनल साइन बन जाएगा। फिर आपको बात आती है कैडेट्स कंटूर, कंटूर क्या होता है जैसे आपका यानी कि जो सी लेवल है समुद्री तल है उससे जो ऊपर हाइट पे बराबर हाइट पे जो पॉइंट्स मिलते हैं उसी से कंटूर फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका क्या रहेगा इस तरह से आपका शो किया होगा, इनके बीच में प्रॉपर जो है रेगुलर डिस्टेंस मेंटेन होगी। आपका फॉर्म लाइन होगा तो आपका इसका स्टेट ऐसे हो जाएगा, रॉकी स्लोप्स होगा तो आपके बीच में आप इसका रॉक्स दिखा देंगे। इसके बाद में क्रेडिट्स हमारे पास में आता है क्लिफ सैंड फीचर यानी कि चट्टानों रेत की विशेषता है, वही आप जैसे चट्टान है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल ऐसे गोल गोल से बना देना है। फिर हमारे पास में आता है जैसे फीचर्स की बात करें तो ये आपके फीचर्स दिखा देंगे। फिर हमारे पास में मोरेन और ग्लेशियर स्क्रीन, ग्लेशियर क्या हो पानी का यानी पानी का आ गया तो हम क्या करेंगे गोल सा बनाएंगे, जैसे आपका गोल सा बना देंगे, ये स्ट्रीम है तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर हमारे बात करें क्रेडिट्स बाउंड्री डिमार्केटेड इंटरनेशनल यानी कि हम बात करते हैं जैसे LOC LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बाउंड्री, इस तरह जो हमारा है तो हमारा जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री इसको किस तरह से डिमार्केशन, ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री का हो जाएगा। बाउंड्री डिमार्केटेड प्रोवाइडर स्टेट, हमारा जो इंटरनल यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री वो देशों से जुड़ी हुई हो तो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके बीच में जो बाउंड्री वो क्या हो जाएगी हमारी जो स्टेट का डिमार्केशन वो इस तरह से करेंगे, लंबी लाइन और फिर छोटी बिल्कुल लोट सा। फिर हमारे पास बाउंड्री अनडिमार्केटेड इंटरनेशनल प्रोविंस और स्टेट यानी कि हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है लेकिन वो डिमार्केशन या फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं हो रखा तो उससे क्या करेंगे अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्रेडिट्स बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल, हमारे जो लोकल लेवल पे तालुका वगैरह की बात करें अगर सीमा और जिला और जनजाति का उस तरह से अपन डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में क्रेडिट्स हमारा आता है बाउंड्री सब डिविजनल तहसील तालुका इत्यादि को हम बिल्कुल ऐसे डॉट 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 करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्रेडिट्स बाउंड्री पिलर सर्वे नॉट फाउंड यानी कि हमने सर्वे किया तो उसके पास में बाउंड्री मिली तो ये हो जाएगा, उसके बाद में हमारा जो पिलर्स वगैरह है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रेव्स है, ऑयल वेल्स है यानी कि कुएं और जो कब्रिस्तान का आपको पता होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कब्रिस्तान का आप जरूर देख लीजिए क्रेडिट्स इस तरह से अपने को बना देना ये। उसके बाद में आपका जो वेल्स और माइन मेटल जैसे आप ये देखेंगे कुआ और अब एक जो इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में ये यानी कि आप इस तरह से क्या करते हैं कैडेट्स ये आपका बैटलफील्ड की बात कर रहा होगा। इसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में आता है हाइट्स ट्रायंगुलेटेड और बेंचमार्क, तो ये जो ट्रायंगल बना के बेंचमार्क भी है इससे आप जो भी आपका 200 जो भी होगा आप इसमें लिख देंगे। तो कैडेट्स इस तरह से हमने बहुत सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशनल साइंस हम बता देते हैं, हमने बहुत सारे देख लिए हैं तो इंपॉर्टेंट क्या क्या जैसे आपके टेंपल का है, मॉस्क का है, आपका जो मस्जिद हो गई, टॉम हो गया, पगोड़ा और आपका जैसे वेल सूखा कुआ और भरा हुआ कुआ, ठीक है, आपके जो नदी वगैरह है, ब्रिज है, रेलवे लाइन है, तो इत्यादि जो आपके सर्वे ट्री है तो आपको ट्री का ऐसे गोल गोल सा बनाना है ऊपर और नीचे तना जैसे अपन बचपन में बनाते थे पेंटिंग वगैरह के लिए, तो यही सारे आपको कन्वेंशनल साइन का ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, 5-7 नंबर का आता है तो आप इजीली आप उनको पहचान करके कर सकते हो। इसके बाद में क्रेडिट्स हमारे पास में आता है स्केल्स एंड ग्रिड सिस्टम। अब स्केल की बात कर ले, स्केल क्या चीज़ है तो ये क्या होता है क्रेडिट्स प्रपोर्शन
एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है जो जमीन और क्या होता है हमारे पास में जो मैप उनके बीच में जो एक सामान्यवय स्थापित करता है, यानी कि हम मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर हम मैप का ले रहे हैं तो रिप्रेजेंट करेगा अपना कितना 1 किलोमीटर, यानी कि मैप के ऊपर अगर 2 सेंटीमीटर हम मेजर कर रहे हैं तो हमारे ग्राउंड के ऊपर क्या होगा 1 किलोमीटर। यही अपना एक प्रॉपर क्या होगा प्रोपोर्शन हो गया इसका, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं स्केल बोल देते हैं, यानी कि पैमाना मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वह अनुपात है प्रोपोर्शन है जो जमीन पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित होता है। मानचित्र पर हर चीज़ को कम से कम किया जाना चाहिए क्योंकि मानचित्र क्या है हमें बहुत सारे बड़े एरिया को क्या करना है बहुत छोटे जो एक छोटा सा टुकड़ा है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हर चीज़ को हम क्या कर देते हैं छोटे छोटा करना है और जिस हद तक आकार कम किया जाए वह मानचित्र का पैमाना बताता है। तो क्रेडिट्स हमारे पास में नेक्स्ट ग्रिड सिस्टम्स, तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो क्रेडिट्स इससे पहले हम ग्रिड सिस्टम पढ़े जो स्केल के मेथड्स बताए गए हैं तो हम किस तरह से करते हैं इनवर्ड्स, तो इसमें क्या बताया गया कि 1 इंच = 1 माइल ये हमने बना लिया, यानी कि मैप के ऊपर हमारा 1 इंच है तो माइल यानी कि हमारा जो है ग्राउंड पे 1 माइल मापा जाएगा। इस तरह अगर मान लो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF की बात करें तो ये क्या होता है क्रेडिट्स हमने मान लिया 1/5 लाख, 1/10 लाख, 1/50,000, तो अलग अलग क्या दे दिए फ्रैक्शन दे दिए, यानी कि ये अगर 1/1 लाख है तो मैप के ऊपर एक जो पॉइंट माना जाएगा वो कितने एरिया को प्रदर्शित करेगा अपना 1 लाख जो होगा यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया क्रेडिट्स स्केल के मेथड्स हो गए। अब क्रेडिट्स हम बात कर रहे थे स्केल लाइन क्या होती है, तो इसका एग्जांपल जैसे हमने बताया आपको 2 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर, यानी कि मैप के ऊपर आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर इसका स्केल हो गया और आपका जो आपके ज़मीनी जो हालात है उसके ऊपर आपका 1 किलोमीटर वो मान लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट्स हमारे पास में नेक्स्ट आता है ग्रिड एंड ग्रिड लाइन, तो ग्रिड क्या होता है और ग्रिड लाइन क्या होती है। तो क्रेडिट्स हमारे पास में ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन होते हैं, आपको पता होगा मैप रीडिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग लाइन का जो एक जो जाल बनता है उसे क्या बोलते हैं ग्रिड बोल देते हैं, यानी कि जो आपका नॉर्थिंग और ईस्टिंग लाइन जहाँ कट करती है ग्रिड हो गया और इस तरह से बहुत सारे जो ग्रिड हो गए वो क्या हो गए ग्रिड लाइंस हो जाएंगे। तो इसको एक बार क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं, द ग्रिड इज ए सिस्टमेटिक पैटर्न ऑन अर्थ बाय लेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड ओवर द अर्थ लेआउट, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो बात कर रहे हैं ये कौन सी ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन की ये बात कर रहे हैं। द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर नोन एज द लैटिट्यूडनल, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लाइन्स आर नोन एज द ग्रिड लाइन्स। अब एक बार बात कर लेते हैं ग्रिड से, हमारे पास में आता है ग्रेटिक्यूल, तो हमने जैसे ईस्टिंग और नॉर्थिंग का पढ़ा है उसको क्या बोलते हैं ग्रिड, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन का जो जाल बन रहा है क्रॉस सेक्शन जो अगर हो रहा है और जो स्क्वायर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन ग्रेटिक्यूल। तो हमारे पास में 2 वर्ड आते हैं क्रेडिट्स, एक आता है ग्रिड और दूसरा आता है अपने पास में ग्रेटिक्यूल, तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे ये तो आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन से होता है और दूसरा आपका ग्रेटिक्यूल अगर बोलेंगे तो आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अक्षांतर और देशांतर जो रेखाएं होती है उनके जो क्रॉस सेक्शन से जो बनता है वो आपका क्या कहलाएगा ग्रेटिक्यूल। अब क्रेडिट्स ये बात कर रहा है कि जो ग्रिड लाइंस उनका क्या उद्देश्य है क्या पर्पज है, तो इट इज़ टू मेक पॉसिबल गिविंग एंड रीडिंग ग्रिड रेफरेंस, जो हमारे आपको पता होगा कि जैसे 4 फिगर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है, यानी कि जो भी एक पोजीशन ली जाती है कोई ऑब्जेक्ट ले जाता है उसका अपन मैप के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसकी जो लोकेशन पता करते हैं वो ग्रिड रेफरेंस जो होता है उसके लिए हमारे पास में ग्रिड लाइंस का होना बहुत ही जरूरी है। मेथड्स ऑफ ग्रिड रेफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, तो क्रेडिट्स इसके हम देखेंगे कि रेफरेंस मस्ट ऑलवेज कंटेन एन इवन नंबर, जैसे कि आपका 4, 6, 8, 12 इस तरह से जो हमारा होता है। फिर आपका ईस्टिंग लाइन्स आर द ब्लैक कलर, इसके अंदर हमने बात की ईस्टिंग लाइन क्या होती है नॉर्थिंग लाइन क्या होती है हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन जो आप ध्यान में रखेंगे ईस्टिंग लाइन किस कलर से होती है ब्लैक कलर से होती है और ये कौन सी लाइन होती है वर्टिकल लाइन्स होती है। इसके बाद अगर हम क्रेडिट्स बात करें नॉर्थिंग लाइन्स की तो वो भी ब्लैक कलर से ही होती है, लेकिन ये क्या होंगी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिट्स ऑलवेज काउंट अलोंग द ईस्टिंग लाइन्स फर्स्ट, यानी कि हम अगर ग्रिड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पहले किसको लिखेंगे ईस्टिंग लाइन को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे नॉर्थिंग लाइन को। 4 फिगर है तो ईस्टिंग वाला लिखेंगे नॉर्थिंग वाला लिखेंगे, 6 फिगर है तो जो अपने एरिया आया है जो बॉक्स है उसी को अगले 10 हिस्सों में और डिवाइड कर देंगे, फिर अपन ईस्टिंग नॉर्थिंग और उनका पॉइंट लिख देंगे वो 6 फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको आगे बताएंगे इसके बारे में ग्रिड डिफरेंस क्या होता है, आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच 4 फिगर 6 फिगर 8 फिगर एंड 10 फिगर, तो नॉर्मली हम 6 फिगर के इसके अंदर पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्रेडिट हमारे पास मोस्टली 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस इज यूज्ड। एक क्रेडिट साहब का बहुत सारों का डाउट रह जाता है कि भाई ये किस तरह से जो है एक आपने देखा होगा जो ग्लोब होता है अर्थ होती है वो पूरा अपना गोल है, तो आप किस तरह से उसको जैसे आपका इक्वेटर है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे है, उसके बाद में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आता है, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ये आपका कितने डिग्री पे होता है क्रेडिट 23.5 डिग्री, आपको पता होगा कि दक्षिणी और उत्तरी 23.5 डिग्री ये हो गया और 23.5 डिग्री ये हो गया, तो इस तरह से आपका फिर अंटार्कटिक सर्कल है साउथ पोल है ठीक है, उसके बाद में हमारा ये जो नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो ये जो आपका है ये इक्वेटर ये कितने पर रहेगा
जीरो पे। तो इस तरह से कैडेट्स आप इसका मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने पे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है, तो आप इनका जो है आंसर बता सकते हैं। कैडेट्स, जो आपसे हम बात कर रहे थे ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन की, तो एक बार ये देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कैडेट्स 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी कि अब हम बात करें, ये जो है जो खड़ी लाइन है, क्या है खड़ी लाइन आपका, एक बार हम इसका डिवीजन कर लेते हैं। इस तरह से आपका रहेगा, ये आपका क्या है नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वेस्ट। तो कैडेट्स आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम बात करें, यानी कि जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो खड़ी लाइनें हैं उनकी क्रम किसकी तरफ बढ़ेगा, ईस्ट की तरफ जाते हुए बढ़ेगा। आप देख सकते हो ईस्टिंग लाइन का जो लेफ्ट टू राइट है वो क्रम बढ़ रहा है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। और ये क्या होती है खड़ी लाइनें होती है, खड़ी लाइन। अब हम बात करें नॉर्थिंग लाइन की, तो क्या हो जाएंगी पड़ी लाइन हो जाएंगी, और उनकी जो इंक्रीजिंग जो मैनर है वो किस तरह से होगा, यानी कि आपका किधर संख्या बढ़ेगी आपका नॉर्थिंग से लेके, यानी कि जो आपका नॉर्थिंग है वो साउथ से लेकर के जो आपका जैसे आपका 52, 53, 54, 55, 56, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो पड़ी लाइन है लेकिन जिनका क्रम है वो दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी नॉर्थिंग लाइन हो जाएंगी। तो कैडेट्स अब हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप क्या होता है। तो अगर हम बात करें कैडेट्स, कोई भी मान लो मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप आपको निकालना है, ऑन पोजीशन निकालनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहले अपने पास में मैप होना चाहिए, राइटिंग मटेरियल कोई भी पेन और पेंसिल जो भी आपके पास में है, ठीक है, आपके पास में कंपास होना चाहिए और इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कैडेट्स इसका एक बार हम इस्तेमाल करते हुए हम देख लेते हैं कि क्या आपका जो है किस तरह से आप क्या निकालेंगे। आपका जी आर मान लो दे दिया आपको, ठीक है, अभी मैं एक बार इसका जी आर मान लो यहाँ पे अपने अंदाजे से कोई मान लो पॉइंट, ये इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में कैडेट्स हम देख लेते हैं कि अच्छा इन्होंने ये जो है बाद में 10 डिवीजन अलग से कर रखे हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया। तो अब मैं आपसे अगर इसके जीआर निकालने की बात करूं, तो पहले हमने क्या बोला था आपका ईस्टिंग लाइन होता है, फिर हमारे क्या होता है नॉर्थिंग लाइन। तो ईस्टिंग लाइन देखेंगे कैडेट्स हम, पहले इसको देखेंगे, इसको, वेरी गुड, पहले किसको देखेंगे हमारी जो है ईस्टिंग लाइन को। तो ईस्टिंग लाइन क्या हो जाएगी कैडेट्स, हम एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखेंगे, ईस्टिंग लाइन उसको लिखेंगे जो पार कर चुकी होती है, यानी कि जो पॉइंट है यहाँ पे 27 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आएगा, यानी मान लो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा 26, अभी हम पहले फोर फिगर की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें कैडेट्स नॉर्थिंग लाइन लिखना है, तो ये 52, 53, 54, 55 इसको क्या कर चुका है ये क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा कैडेट्स 55, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 55, तो ये आपका क्या हो गया कैडेट्स जी आर हो गया, ग्रिड रेफरेंस। तो कैडेट्स अगर हम बात करें ये आपका क्या है फोर फिगर है, अब हमें इसका क्या निकालना है सिक्स फिगर निकालना है। तो जैसे हमने ये पॉइंट लिया, कहाँ पे लिया है हमारा ये 55 और 56, तो हम क्या करेंगे इसकी फिर से इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल क्या हो जाएगी 10, इसके मतलब 9 खाने बनाएंगे तो 10 इसके डिवीजन हो जाएंगे। इस तरह से इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसके भी क्या हो जाएंगे 10 खाने, यानी कि हमने फर्दर इसको 10 डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे कैडेट्स, पहले किसको लेना होता है ईस्टिंग लाइन को होता है, वेरी गुड। तो ईस्टिंग लाइन जो हमारी है ये कौन सी लाइन लिखी थी, खड़ी लाइन है, तो इसका मतलब हम ईस्टिंग लाइन इसका अब इसका गिनती कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये किस पे आ रहा है 7 नंबर पे इसका जो इंटरेस्ट जो आपका इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैडेट्स 7। अब हम बात करें इधर से जो आपका कौन सी नॉर्थिंग लाइन, आप क्या लेंगे नॉर्थिंग लाइन, वेरी गुड। तो नॉर्थिंग लाइन में क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये किस पे इंटरसेप्ट कर रहा है कैडेट्स 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 5। अब अगर हम बात करें इसकी ये आपका 5, 2, 6, 7, 5, 5, 5 ये आपका क्या हो गया कैडेट्स 6 फिगर हो गया। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे 4 फिगर और 6 फिगर, तो आपका जो 6 फिगर आपका जनरली पूछा जाता है, आगे जो हम आपको मेथड बताएंगे ये आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको अभी एक थोड़ा सा आपको बताया है कि किस तरह से आपका जी आर होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कैडेट्स यानी कि टोपोग्राफिकल जो कुछ टेक्निकल टर्म्स होती है उनको पढ़ना है, तो कैडेट्स हमें इसलिए इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि मान लो हम कुछ भी वहाँ पे टेरेंस हैं कुछ कंडीशंस हैं उनको हम पहले पहचानेंगे तभी तो उनके बारे में हम समझ पाएंगे और आगे जो है मोर्चा अपन कर पाएंगे। तो कैडेट्स इसके लिए क्या होगा हमारे पास में जो टोपोग्राफिकल टर्म्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है बेसिन, ये आपको सबसे पहले पता ही है, इस तरह से आपने डेल्टा सुना होगा बेसिन सुना होगा जनरल आपने 6th-7th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ये ज्योग्राफी के अंदर। तो ये क्या होता है पहाड़ों के बीच में कोई पानी का जो एक ड्रेन सी जा रही होती है, क्या होगा फेयरली लेवल ग्राउंड सराउंडेड बाई हिल्स और द एरिया ड्रेन बाई ये रिवर रोड डिस्ट्रीब्यूटरीज, उसे क्या बोल देते हैं अपन बेसिन बोल देते हैं। अब बात आती है कैडेट्स
कोल और सैडल, ये क्या होता है? कोल और गाठी ऊंची भूमि की एक संकीर्ण कटक जो ऊंची पहाड़ियों से जुड़ती है। मान लो कोई ऊंची भूमि है, वो पहाड़ी के बिल्कुल समतल होती है, मतलब सम लेवल पे होती है, उसे क्या बोल देते हैं? कोल या फिर सैडल। फिर हमारे बात करें क्रस्ट, ये सबको पता है यार, जो पहाड़ी होती है उसका जो ऊंची जो हिस्सा होता है उसे क्या बोल देते हैं? जैसे मान लो आपका पहाड़ी, ये क्या हो गया? क्रस्ट। ट्रफ की बात करें तो आपका बिल्कुल आपको पता है नीचे की बात हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर नहीं करेंगे, अपन वेव जो तरंगी होती है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। हाइएस्ट पार्ट ऑफ द हिल और माउंटेन इज इन द रेंज इज नोन एज द क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिट्स, तो हमारे पास में आता है डेड ग्राउंड, ये आपको पहले बताया था टाइप ऑफ ग्राउंड एफ सी बी सी में। डेड ग्राउंड होता है आपका जो है, क्या होता है? अरे क्या होता है? दबा हुआ ग्राउंड। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? ग्राउंड विच बिकॉज ऑफ अंडुलेशन और हिल इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर, वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर हम भी छुप सकते हैं और दुश्मन भी छुप सकता है। नेक्स्ट हमारे बात में कैरेट्स नोल, स्मॉल आइसोलेटेड हिल, बिल्कुल सबसे अलग थलग एक पहाड़ी। वैसे क्या होता है? श्रृंखला होती है, जैसे नीलगिरी श्रृंखला, उदयगिरी श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, तो ये हमारे क्या है? सारी की सारी क्या है? पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन कुछ अलग, एकदम अलग ही आइसोलेटेड अगर कोई बन गई उसको क्या बोल देंगे? नोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेट्स प्लेटो, ये आपको सबको पता ही होगा पठार क्या होता है। ए टेबल लैंड एन एलिवेटेड रीजन ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट जनरली ऑफ द सेम लेवल, यानी कि एक मेज भूमि सामान्यतः समान स्तर की काफ़ी विस्तार वाला ऊंचा क्षेत्र, ये आप देख सकते हैं पहाड़, ये जो पठार आपका इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें रिज, रिज का मतलब कोई उठा हुआ भाग की बात कर रहा हूँ। हिल और रेंज और माउंटेन्स फॉर्म विच वाटर फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऐसा उठा हुआ रिज, यानी कि जहाँ से जो पहाड़ का जो पूरा पानी नीचे, लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो कोई बह रहा है, जैसे इस तरह की बात करें अपन, तो क्या हो जाएगा? आपका रिज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पर, ये क्या होता है? कैडेट्स, यानी कि आपका जो ए पीस ऑफ हाई ग्राउंड जटिंग आउट ऑफ रेंज ऑफ हिल्स इनटू लोअर ग्राउंड, यानी कि जो आपका जो पहाड़ है उसका एक छोटा हिस्सा जो नीचे की ओर जो टूट के गिर रहा हो, वो क्या हो जाएगा? आपका स्पर हो जाएगा। जैसे पहाड़ है और ये नीचे अंडुलेटेड एरिया है। इसके बाद में कैडेट्स अगर हम बात करें वाटर शेड की, तो जनरली वाटर शेड आपको समझ में आ रहा होगा यार, पानी का कुछ ना कुछ है, मतलब क्रियाक्रम इसका क्या है? वाटर शेड कुछ नहीं है, इस लाइन सेपरेटिंग ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन टू डिफरेंट रिवर सिस्टम द एज ऑफ ए रिवर बेसिन, यानी कि क्या होता है? जो भी जैसे मान लो वाटर की दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जैसे एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, मिलके एक बन रही है, तो ये क्या हो गया? जिधर से ये स्वेप्ट कर रही है, जिधर से जा रही है, वही क्या हो गया? आपका वाटर शेड हो गया। जिस तरह से आपका ये हो गया, यहाँ से गिर के आ रहा है, तो ये और ये क्या हो गया? आपका वाटर शेड। इसके बाद में अगर बात करें कैडेट्स डीफाइल की, कुछ नहीं है। डीफाइल का मतलब क्या होता है? अगर हम सीधा सीधा बात करें, ए फीचर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल विच कुड कॉज ए बॉडी ऑफ ट्रूप्स टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स फ्रंट, यानी कि हम एक लाइन के अंदर आगे मार्च कर सकते हैं, हमें डीफाइल क्या करता है? जैसे मान लो कि पहाड़ी एक खुला सा एरिया होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डीफाइल बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्कारपेंट, ये कुछ नहीं है। कैडेट्स द स्टीप हिल साइड फ्रॉम बाई ए सडन ड्रॉप इन द जनरल ग्राउंड लेवल यूजली फ्रॉम ए प्लेटो, यानी कि जो ढलान की बात कर रहे हैं, देखो आपने कितना टेक्निकल टर्म्स देखा, एस्कार्पमेंट। सीधा बात कर लेता भाई, स्लोप है, ढलान है, हाई है, क्या है? कुछ नहीं, एस्कार्पमेंट दे दी। इसका मतलब क्या है? ढलान है, यानी कि सामान्य जन इस तरह अचानक ग्राउंड के कारण खड़ी पहाड़ी का किनारा जो होता है उसको एस्कार्पमेंट बोलते हैं। फिर कैडेट्स हमारे पास में आता है बियरिंग, आप सबको पता होगा जैसे कंपास की मदद से हम बियरिंग लेते हैं, तो बियरिंग एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बियरिंग? कुछ नहीं कैडेट्स, बियरिंग का मतलब होता है जो अपने दो पॉइंट होते हैं उनको मिलाने के बाद जो एक लाइन होती है उसका नॉर्थ या फिर जो साउथ से जो एंगल बनता है उसे क्या बोल देते हैं? बियरिंग। तो हमारा जो कैडेट्स बियरिंग क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एंड द नॉर्थ एंड द साउथ लाइन, इसको क्या बोलते हैं? बियरिंग आर ऑलवेज मेजर क्लॉकवाइज, ये हमेशा आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज ही, यानी कि जो सुई की दिशा होती है, घड़ी की दिशा होती है, उसी के अंदर आपको उसको मापना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैडेट्स बेंचमार्क, जिस तरह से आपका क्या होता है? लैंडमार्क होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ये ट्राइंगल आपको देखा था, बी एम टू एंटर लिखा था, आपको कन्वेंशन साइन के अंदर पढ़ाया था, वो क्या हो गया? आपका बेंचमार्क हो गया। ए परमानेंट मार्क यूजली कट इनटू ए वॉल रिकॉर्डिंग एजेंटली फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो वहाँ की हाइट होती है उसको अपने यहाँ भी इसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया, आपका बेंचमार्क हो गया, इन फ्यूचर आपको वो हेल्प करता रहेगा। आपकी ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब होता है कैडेट डिफरेंस, यानी कि आपका जैसे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, आपका वाटर ग्रेडियंट हो गया, यानी कि आपका जो फ्लो ऑफ वाटर के अंदर ग्रेडियंट, यानी आपका जो प्रेशर का हाई प्रेशर लो प्रेशर, ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या बात करेगा? द स्लोप ऑफ हिल एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, अलग से कुछ चीज़ उसका डिफरेंस जो दिख रहा है वो क्या होगा? आपका ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात करें अगर स्पॉट हाइट, स्पॉट हाइट का मतलब क्या है? आपका सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है क्या है? स्पॉट की ऊंचाई, ए पॉइंट ऑन ए मैप हुज हाइट हैज बीन डिटरमाइंड बाय ए सर्वे मेथड, यानी कि सर्वे करके हमने उसका डिटरमाइन कर लिया हाइट, और वो आपकी जो है यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा करके आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट, आपने पढ़ा ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? जो आपका ट्राइंगल जैसे आपका स्लोप है, इसका जो हाइट लेता है, ये क्या होगा? जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, ए पॉइंट फिक्स्ड ड्यूरिंग द ट्राइंगुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वे के दौरान जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जो लिया था, वो आपका सर्वे में स्मॉल ट्राइंगल विद दी
विद द हाइट, यानी कि हाइट के साथ जो आप स्मॉल ट्रायंगल बनाते हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इसके बाद क्रेडिट्स हमारे पास में आते हैं कंटूर से, आपको हमने पहले बताया यानी कि जो समुद्री तल है उसके ऊपर जो समान ऊंचाई वाले जो पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो जो एक लाइन खींच के जो बनाते हैं वो क्या हो जाता है आपका कंटूर हो जाता है, जिस तरह से हमने आपको कन्वर्सेशन के अंदर बताया था ये आपके कंटूर हो गए। क्या हो गया, ए लाइन ड्रॉन ऑन द मैप जॉइनिंग अप ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल यानी कि समुद्र तल से जो ऊपर जो समान हाइट पे जो पॉइंट्स हैं उनको मिला के जो रेखा खींची गई उसे क्या बोल देते हैं, कंटूर बोल देते हैं। फिर आपका क्या है ग्रिड लाइन से, हमने आपको पहले बताया ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल रहे हैं कैडेट्स, उनका जो जाल बन रहा है वो ग्रिड लाइन हो गई। फिर हम कैडेट्स आपको बताया था ग्रेटिकुल क्या होता है, तो ग्रेटिकुल जो आपके जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन से जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं, ग्रेटिकुल बोलते हैं। इसके ग्रिड लाइन की बात करें तो रनिंग पैरेलल टू एंड राइट एंगल टू ए नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ग्रिड, नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइन्स होने मैप, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद कैडेट्स मैग्नेटिक वेरिएशन, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन होता क्या है, तो हम जो मैग्नेटिक बियरिंग जो ले रहे हैं कंपास की मदद से उसका जो निडल के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है तो थोड़ी खामी आ जाती है, उसका वजह क्या होती है, मान लो हम जिस एरिया में हो वहाँ पे कोई खनिज हो या कोई और कोई मटेरियल हो मेटल हो उसकी मदद से क्या होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर डेविएशन आ जाता है, उसे क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ, जो डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोलते हैं एम वी। अगर बात करें एल वी यानी लोकल वेरिएशन भी आता है तो वो भी इसी तरह से अलग अलग जो पदार्थ वगैरह होते हैं कुछ हो तो उसके वजह से लोकल वेरिएशन भी उसके अंदर आ सकता है। फिर हम बात करें कैडेट्स हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है कैडेट्स, द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द मैप बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइन्स, यानी मान लो जो हमने जो कंटूर लाइन ली है, देखो ये लो हमने कंटूर लाइन ले ली, अब जो एडजेसेंट जो एक दूसरी है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। क्षैतिज समतुल्य मानचित्र पर आसन समोच्च रेखाओं के बीच की मापी गई दूरी या राहत की प्रकृति के अनुसार भिन्न होता है। इसके बाद में क्रेडिट्स हमारे पास में आता है रिलीफ और कंटूर, तो रिलीफ क्या होता है, रिलीफ कंटूर एंड ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं हम। रिलीफ मींस द शेप ऑफ द ग्राउंड इन वर्टिकल प्लेन, रिलीफ का मतलब है आपको पता है कि जो आपका ऊंचा उसका अर्थ है ऊर्ध्वाधर तल में जमीन का आकार यानी कि जो दिख रहा है आपको जो धरातल जो कंडीशन है वो रिलीफ राहत। कंटूर की बात करें हमने आपको बार बार बताया क्या आता है, सेम पॉइंट है हाइट सेम हाइट पे जो मीन सी लेवल से जो सेम हाइट पे जो पॉइंट्स उनको मिलाने की जो रेखा खींचते हैं उसे कंटूर बोल देते हैं। अब कंटूर क्या होता है क्रेडिट्स, किस तरह हमारे काम आता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, कंटूर एक्यूरेटली शो हाइट शेप एंड स्लोप ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में हमारा कंटूर आर शोन जनरली इन ब्राउन, जैसे हमारा जो ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन तो उसके किससे कर रहे थे ब्लैक कलर से, लेकिन यहाँ इसको कंटूर किसके दिखाएंगे ब्राउन कलर से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हाइट इज मार्क्ड ऑन एवरी फिफ्थ कंटूर, जैसे हमने मान लो ये पाँच क्या बनाए कंटूर बनाए, एक दो तीन चार और ये पाँच, तो यहाँ पे इसकी हाइट का हम मेंशन करेंगे। तो कैडेट्स हमारे पास में कंटूर लाइंस वेरी इन अपेरेंस, ये आपका जो है अपेरेंस के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अलग दूर दूर हो सकते हैं, तो ये हम इसके अंदर देखेंगे। दीज लाइंस नेवर टच और क्रॉस इच अदर, लेकिन ये कभी भी क्या करते हैं आप अनंत तक ये कभी भी आपको टच नहीं करती और कभी भी आपको जो है क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। इसके बाद में कैडेट्स हमारे पास में आता है स्लोप, स्लोप का सीधा मतलब क्या होता है कैडेट्स, ढलान। तो क्या होता है हमारे पास में ढलान का अर्थ ऐसी स्थिति से जिसका एक सिरा दूसरे किनारे से ऊंचे सतह पे हो, यानी कि ये अब मान लो ये मेरा हाथ है तो ये क्या हो गया स्लोप हो गया, इधर कुछ भी रखूंगा नीचे गिर जाएगा आपका कंटूर लाइन, और नीचे किसी वजह से गिरेगा गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके अलोंग जो भी कुछ बह रहा हो कुछ गिर रहा हो तो आपका स्लोप हो गया। कंटूर लाइन रिप्रेजेंट टू स्लोप दैट इज क्लोजर, अब बात करो जैसे हमने आपको बताया था कि जो कंटूर लाइन्स है अगर वो क्लोजर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्टीपर हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा स्टीपर यानी कि बहुत घना सघन। उसके बाद अगर हम बात करें कैडेट्स जैसे कि ये स्लोप ऑफ द हिल इसका क्लोजर हो जाएगा, लेकिन हम बात करें फार अपार्ट जो कंटूर लाइन है बहुत दूर दूर है तो उससे क्या होगा आपका जो ग्रेजुअल स्लोप डाउन इज द ग्रेजुअल, थोड़ा जो स्टीप नहीं होगा थोड़ा सो क्या ऐसा जैसे मान लो हम ये दूर दूर है तो ये इस तरह से ज़्यादा ढलान नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा पास नज़दीक है तो इसका मतलब स्टीप है सीधा नीचे। द स्लोप्स आर ऑफ टू टाइप्स कन्वेक्स और कनकेव, कुछ नहीं है ये कन्वेक्स और कन्वेक्स क्या होता है ये देख लीजिए, ये कनकेव और कन्वेक्स, तो ये अंदर वाला जो है ये क्या हो गया आपका कनकेव, बाहर वाला जो है ये क्या हो गया आपका कन्वेक्स। अभी आगे डायग्राम के अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ है, जैसे हमने आपको बताया ये अंदर वाला क्या था कॉनकेव, ये देख लीजिए, उसके बाद में आपका कॉन्वेक्स क्या हो गया ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब ग्रेडियंट वही बार बार बात कर रहा है, ग्राउंड एक्सप्रेस एज द एंगल द ग्राउंड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या आपका ग्रेडियंट जो आपका डिफरेंस। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास में कैडेट्स नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ के कितने प्रकार होते हैं और जो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं, चार होते हैं हमारे कार्डिनल पॉइंट, जो हमारी दिशाएं हैं उन्हीं को क्या बोला गया है कार्डिनल पॉइंट, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हमारे क्या है कार्डिनल पॉइंट्स हैं। फिर बात करें कैडेट्स अगर हम इंटरमीडिएट जो होती हैं चार जो हमारी इंटरमीडिएट होती हैं,
जैसे आपका जो मेजर है इसको लेंगे अपन नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर यहाँ पे लेंगे साउथ को तो ये साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे लेंगे अपन किसको साउथ को तो हमारा साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ पे लेंगे नॉर्थ को तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारे अलग से चार हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे एट माइनर डायरेक्शन, जो एट माइनर डायरेक्शन ये हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली अब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मान लो ये है आपका, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अब मान लो अब मैंने यहाँ पे बीचों बीच को पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये और ये, यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेन जो हमारा कार्डिनल है वो यहाँ पे लेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट, इसकी बात करेंगे तो साउथ ईस्ट, यहाँ पे बात करेंगे तो हमने साउथ वेस्ट, और यहाँ पे बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट। अब कैडेट्स चार कार्डिनल पॉइंट हो गए और चार हमारे जो है मेजर डायरेक्शन हो गए, जैसे हमारे फोर मेजर डायरेक्शन। अब जो एट जो माइनर डायरेक्शन है वो कैसे बनेंगे, तो कैडेट्स यहाँ पे आप ये डायरेक्शन ये बनाएंगे, ये आपकी कितनी हो जाएंगी, हर खाने में दो दो आ रही हैं तो दो चुके आठ हो जाएंगे। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम करेंगे, नामकरण क्या होगा कैडेट्स। अब मान लो ये जो हमारे पास में आई है ये क्या बनेगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है मेन हमारी ये है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह कैडेट्स यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी है ये क्या बन जाएगी, हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे बात करें तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैडेट्स, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो हमारी आठ आई है इनकी अलग से आपको क्या पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए। देख लेते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होती है, 22.5 डिग्री। ईस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होती है, 67.5 डिग्री। ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ईस्ट क्या होती है, 112 डिग्री। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट क्या होती है, 157 डिग्री एंड हाफ, ये आप ध्यान रखेंगे ठीक है, वो हमें से थोड़ा भूल हो रहा है। साउथ और साउथ वेस्ट क्या होता है, 202 एंड हाफ। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है, 247 एंड हाफ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, 292 एंड हाफ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, 337 एंड हाफ। तो ये हम आप जो कार्डिनल पॉइंट है, जो चार मेजर और जो आठ जो हमारे माइनर जो डायरेक्शन, आप इनका ध्यान रख लेंगे। अब कैडेट्स हमारे पास में आता है टाइप ऑफ नॉर्थ, ये आपको सबको यश आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया होगा, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास में टाइप ऑफ नॉर्थ क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है आपका, जैसे आपका ट्रू नॉर्थ है, ग्रिड नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। इसके अंदर कुछ नहीं कैडेट्स, ट्रू नॉर्थ का मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल को जो ऑब्जर्वर, जैसे मान लो आपका जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल है वो कि आपका ट्रू नॉर्थ है। ग्रिड नॉर्थ की बात करें, जो मैप के ऊपर जो आपका जो रिप्रेजेंट किया गया है ग्रिड ऑन दी मैप, वो क्या बोल देगा, वो क्या बोल देंगे उसको, ग्रिड नॉर्थ, वेरी गुड। फिर हमारा नेक्स्ट है मैग्नेटिक नॉर्थ, कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा जो कंपास है उसको हम जहाँ फ्रीली मान लो छोड़ दें, सस्पेंड कर दें, तो उसकी जो नीडल इधर पॉइंट कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैडेट्स, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, वेरी गुड। इट इज द पॉइंट टू विच ए मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स फ्रीली सस्पेंडेड। अब बात करें तीन टाइप के है, तो हम देख लेते हैं ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ये आपके तीन प्रकार क्या हो गए नॉर्थ। अगले सेक्शन पे जाने से पहले कैडेट्स एक बार देख लेते हैं कि जो आपका नॉर्थ है उसका पता कैसे चलेंगे, यानी कि कैसे पता चलेगा हमारा नॉर्थ है। तो कुछ जैसे पॉइंट्स होते हैं हमारे, मान लो हमारे पास में कंपास भी नहीं है, सूरज भी नहीं, कुछ नहीं, हम बिल्कुल फंस गए हैं, तो कुछ नहीं करना कैडेट्स। मान लो आसपास को क्या है, मस्जिद है, तो वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जो मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं किस तरह पढ़ते हैं, पश्चिम दिशा में हमारा मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं, नॉर्थ का पता कर सकते हैं। फिर कैडेट्स मान लो आपका जो ध्रुव तारा है वो हमेशा किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। फिर मान लो आप आसपास कोई मंदिर है, शिवजी मंदिर है, आप शिवलिंग के अंदर जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होगी उसकी जो पानी और जो भी चढ़ाव उसके ऊपर मान लो दूध वगैरह चढ़ा, वो गिरेगा किधर गिरेगा, उत्तर दिशा की तरफ गिरना चाहिए, यानी कि आपका इस तरह से मुँह होना चाहिए, उत्तर दिशा के अंदर वो गिरेगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर कैडेट्स अगर हम बात कर ले, जैसे आपका कब्रिस्तान अगर कोई आसपास है, जैसे कब्रिस्तान का जो कन्वेंशनल साइन हमने आपको बताया था, ये आपका कन्वेंशनल साइन होता है, तो मान लो उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो क्या होगा, आपका जो कब्रिस्तान है, जो भी मान लो मुर्दा दबा हुआ है, तो उसका जो सर है वो किधर मिलेगा, नॉर्थ की तरफ मिलेगा, जो आपका क्रॉस है वो किधर मिलेगा, नॉर्थ की तरफ मिलेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं कैडेट्स, इससे आप क्या लगा सकते हैं, नॉर्थ का पता चल सकते हैं, नॉर्थ का पता चल जाएगा तो आप इस तरह से आप जो है वहाँ से निकल सकते हैं, और जो दुश्मन के और अपनी जो ओन पोजिशन है या फिर जो दुश्मन की पोजिशन है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कैडेट्स ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग, यानी मैप रीडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमें काम आती हैं, क्या मतलब सारी चीज़ें होती है, और किस तरह से जो हमारा नॉर्थ वगैरह क्या था। अब हम देखेंगे कि कंडक्ट ऑफ मैप रीडिंग, यानी कि मैप रीडिंग को कंडक्ट कैसे करना है, किस तरह से हमें मैप रीडिंग करनी है, तो इसके लिए क्या होगा कैडेट्स, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था बियरिंग, उसके बाद हम देखेंगे
टाइप ऑफ बियरिंग, अब इसके अंदर क्या होते हैं कैरेट्स, फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग। अब इसके अंदर फिर हमारे पास में होती है मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, ग्रिड बैक बियरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज हमेशा हमने आपको बताया बियरिंग किस साइड से लेनी है, हमेशा ये याद रखना है क्लॉकवाइज ही लेना है, बियरिंग हमेशा क्लॉकवाइज ही ले जाएगा। एंगल फॉर्म बाई स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड द बियरिंग, ये आपको पहले बताया बिटवीन द टू पॉइंट्स ए बियरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज। अब जो आपकी जैसे ये ग्रिड बियरिंग है, ग्रिड बियरिंग आपको पता ही है कि जो मैप की बात कर रहा होगा, मेजर्ड ऑन द मैप फ्रॉम द ग्रिड नॉर्थ द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, सर्विस प्रोटेक्टर की बात कर रहा है, ये आगे आएगा हमारा जो है बता देंगे हम क्या होता है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ बाय द कंपास, यानी कि कंपास में से जो आप बियरिंग ले रहे हो आपको क्या होगा मैग्नेटिक बियरिंग। फिर बात करें ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग जो आपको सस्पेंड करें जैसे कैलकुलेट बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशन ऑफ ट्रू नॉर्थ, जो ट्रू नॉर्थ की जो होगा ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ये क्या होगा आपका ट्रू बियरिंग। अब करेट्स बात करें टू कन्वर्ट ए मैग्नेटिक बियरिंग टू ग्रिड बियरिंग, यानी कि इनका कन्वर्जन भी कई बार करना पड़ेगा अपने को, तो उसमें क्या होगा अगर मान लो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक वेरिएशन, जो आपका मैग्नेटिक वेरिएशन हमने बताया था, तो वहाँ पे अगर कुछ दे रखा है तो इस कन्वर्जन में आप क्या करेंगे कैडिट्स, उसको माइनस कर देंगे। फिर हम बात करें कैडिट्स टू कन्वर्ट ग्रिड बियरिंग टू मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि जी बी से एम बी कर रहे हो, जी से एम जा रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको एम बी प्लस करना पड़ेगा। तो कैडिट्स आपने देखा कि M से G बड़े से आप छोटा आ रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो माइनस, तो वहाँ पे अगर मैग्नेटिक वेरिएशन दे रखा है आप अल्फाबेटिकली हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे M बाद में आता है G आता है ऑब्वियसली M ही आता है, तो M से आप छोटे की तरफ आ रहे हो, यानी कि कुछ क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो, उनकी संख्या को माइनस कर रहे हो, तो ये सीधा क्या हो गया मतलब कैरेट्स एम बी का आपको माइनस हो जाएगा। मान लो आपको ग्रिड बियरिंग जी से आप एम जा रहे हो, कुछ बढ़ा रहे हो तभी तो आगे जा रहे हो, जी से एम आगे जा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा कुछ प्लस कर रहे हो, तो एम बी अगर दे रखा उसको प्लस कर देंगे। एम बी का मतलब क्या था मैग्नेटिक वेरिएशन। तो कैरेट्स की बात बैक बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग यानी कि मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, सामने कोई और दूसरा हमारा दुश्मन है, अब मेरे लिए तो मैं खुद ऑब्जर्वर हो गया और हमारे लिए वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेरे लिए क्या है फॉरवर्ड बियरिंग। अब लेकिन वो वहाँ से जो दुश्मन है जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो ऑब्जर्वर की जो होगी बियरिंग उसको क्या बोल देंगे बैक बियरिंग। तो ये क्या हो जाए कैडेट्स ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की जो बियरिंग होगी वो आपकी बैक बियरिंग, और जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की होगी वो आपकी क्या होगी फॉरवर्ड बियरिंग। तो इस तरह से आपकी बियरिंग का कॉन्सेप्ट है। अब कैरेट्स हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सर्विस प्रोटेक्टर, ये क्या चीज़ होती है सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है कैरेट्स, कोई जैसे आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो 2x6 का होता है, यानी कि 2 इंच का आपका चौड़ाई होती है और 6 इंच की आपकी लंबाई होती है। इसके अंदर फिर कैरेट्स जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका 0 से 180 है तो वो जो लिखा हुआ है अंदर है या बाहर है, तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना कैरेट्स, जो 0 से 180 है वो बाहर की तरफ लिखा हुआ और 180 से 360 यानी कि 181 से 360 है वो कहाँ लिखा हुआ है अंदर की तरफ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आगे आपको दिखाएंगे, जैसे मान लो आपको यहीं दिख ही रहा है इसके अंदर, तो ये जैसे आपका जो भार है ये 0 से 180 और 360 ये जो अंदर की तरफ ये क्या है 180 से 360। तो कैडेट्स इसका जो नाम है वो क्या है सर्विस प्रोटेक्टर अल्फा मार्क फोर अल्फा, जिस तरह से हमारा क्या था आगे कंपास आएगा उसकी हम बात करेंगे तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, ये किसका नाम है कंपास का, लेकिन हम बात करें सर्विस प्रोटेक्टर की तो इसका क्या नाम हो जाएगा कैडेट सर्विस प्रोटेक्टर मार्क 4 अल्फा। फिर अगर हम बात करें कि ये क्या चीज़ है तो प्रोटेक्टर इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड और इवोरिस फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड इट मेजर 6 इंच टू 2 इंच वाइड, तो ये क्या होता है हमारा सर्विस प्रोटेक्टर होता है। तो कैडेट्स हम बात कर रहे थे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो सर्विस प्रोटेक्टर है जो हाथी दांत लकड़ी या गत्ते का जो टुकड़ा होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे मैप के ऊपर कोई भी दो स्थान है उनके बीच की क्या करते हैं बियरिंग मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन सर्विस प्रोटेक्टर। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं तो दो बिंदु हमारे उनके बीच में रेखाएं भी खींच सकते हैं, तो ये आपका डेफिनेशन का हो जाएगा। इसके बाद में क्रेडिट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में आता है यूजेज ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के क्या क्या यूजेज है, तो इसके अंदर हम जो एक कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट्स, यानी कि ये जो हमारा होता है क्या होता है जीरो एज, इसको क्या बोलते हैं जीरो एज, ठीक है। अब मान लो हमारे पास में, अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, 0 से 180 और 180 से 360। अब मान लो 0 से 180 दे रखा है तो इसको आप किस तरफ से रखेंगे, अगर 0 से 180 दे रखा है तो आप मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आप इधर क्या रखेंगे राइट साइड में इसको क्या रखेंगे सर्विस प्रोटेक्टर को रखेंगे। अब मान लो आपका 180 से 360 दे रखा है तो आप सर्विस प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, यानी कि आपका 0 से 180 है तो राइट साइड में रखेंगे और आपका 180 से 360 है तो आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, यहाँ पे क्या आपका जीरो एज है, क्या आपका जीरो एज। अब
ये यहाँ पे दे रखा है आपको कि ये जो आपका जीरो एज है वो लेफ्ट में होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आपका जीरो से 180 की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जीरो एज है। सिर्फ प्रोट्रैक्टर किधर रखा आपने? राइट में, लेकिन जीरो एज किधर फोकस कर रहा है? लेफ्ट में। तो इस चीज़ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सीधा सा आप एक तरफ का याद रख लेंगे, मान लो जीरो से 180 है तो राइट में रखना है, और 180 360 है तो लेफ्ट में रखना है। जीरो एज का कुछ है ही नहीं, वो अपने आप ही आ जाएगा सामने। अगर हम फिर आगे बात करें तो क्या है क्रेडिट्स, मान लो 180 360 है तो जीरो एज किधर जाना चाहिए? राइट में। तो ये देखिए हमने रखा किधर, 180 से ज़्यादा है ना तो लेफ्ट में रखेंगे। अब जीरो एज किधर पॉइंट कर रहे हैं? राइट में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्रेडिट्स? हम जैसे आपको ये इसमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, ये सर्विस प्रोटेक्टर हम बता देते हैं आपको इसमें क्या है। जैसे आपका 10 20 और ये जो आपका आउटर बाहर की तरफ क्या होगा आपका 0 से 180। अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या है 180 से ज़्यादा यानी कि 181 90, ये जो सारा जा रहा है 360 तक, ये क्या हो जाएगा आपका? अंदर की तरफ हो जाएगा। तो करीब इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो जैसे हमने आपको बताया था स्केल के अंदर ये आपका फ्रैक्शन इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, और इसका जो स्केल है वो 2 cm = 1 km हमारा माना गया है जैसे मैप के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी जो ये जो हमारी जो है क्या है इसकी लंबाई है, तो ये क्या है 6 इंच, ये क्या है इसकी चौड़ाई, ये क्या है 2 इंच, यानी कि 2/6 का क्या होता है ये हमारे पास में सर्विस प्रोटेक्टर होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रेडिट्स, कंपास। जैसे अभी हमने आपका सर्विस प्रोटेक्टर का नाम बताया था उसी तरह से हमारा कंपास है। इसका जो नाम जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई और दूसरा क्या होता है लिक्विड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड वाले की, तो इसका जो नाम पूछा जाता है आपसे, पूरा नाम बताइए सर्विस प्रोटेक्टर का, सॉरी कंपास का, तो वो क्या हो जाएगा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, क्या हो जाएगा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। अब इसके अंदर बात करें जो लिक्विड है वो किस चीज़ का है, तो उसको वो होता है कैडेट्स आइसोप्रोपाइल प्लस एल्कोहल। किस चीज़ का होता है? आइसोप्रोपाइल प्लस एल्कोहल। तो इस चीज़ को आपको मान लें एग्जाम के अंदर आता है, तो आप ये बी वालों के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव टाइप इस बार होने वाला है और वैसे भी आपको इसी वालों से पूछा जा सकता है। तो आइसोप्रोपाइल प्लस एल्कोहल क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, तो आपका ड्राई भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो कैडेट्स इसके जो आपसे जैसे मान लो आपके जो वेपन से आता है कि बंदूक के 10 हिस्से पर जो के नाम लिखिए, उसी तरह से आपका कंपास से भेजा जाता है। तो हम जैसे बात कर लेते हैं जैसे टंग हो गया, ठीक है, ये आपका टंग नोच हो जाएगा, ये लिड, ठीक है, ये जो लिड है, उसके बाद में लूबर लाइन, ठीक है, उसके बाद में आपका डायरेक्शन मार्क जो आप नीडल इसकी बात कर लेते हो ल्यूमिनस स्ट्रिप बोल देते हो, उसके बाद में हमारा क्लैंपिंग स्क्रू होता है, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। फिर आपका जो एरो हेड है भाई किधर एरो हेड जो कर रहा है उसको पॉइंट कर रहा है। फिर आपका सेटलिंग वैल्यू है नीचे, ये जो आपका क्या है थंब रिंग, जिसके अंदर आप जैसे आगे आएगा कि क्या प्रोसीजर है भाई साहब बेयरिंग लेने का, तो उसके लिए क्या होता है थंब के अंदर डालना होता है, आगे हम आपको फोटो दिखाएंगे इसके अंदर। और जो नोच है इसको क्या बोल देंगे रिंग नोच बोल देंगे, या थंब रिंग है और इसके अंदर नोच हो जाएगा। फिर आपका जो क्या प्रिज्म होता है, क्या हो जाएगा प्रिज्म स्लाइड होगी इसको जैसे ऊपर नीचे करने के लिए, इसके अंदर क्या फिट होता है प्रिज्म, इसके मदद से आप क्या करते हो ऐसे देखते हो, एक आंख बंद करके ऐसे पॉइंट दिया आपको देखना है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्रेडिट्स, इसको ध्यान रखना है। फिर आपका जो मिल वेन होगी, उसके बाद में आपका जो कार्ड हो गया जो अंदर जो लगा हुआ है ना कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होगा कार्ड। फिर आपका जो हिंज है, एक होता है हिंज स्क्रू और हिंज, जैसे आपके पास में जो ये हिंज है अरे भाई ऐसे ऊपर नीचे होने के लिए उसका, ठीक है, उसके बाद में आपका हेयर लाइन है, ये जो आपका कांच है क्या हो जाएगा कांच मिरर, ठीक है, उसके बाद में विंडो, ठीक है, हमारा जो प्रोटेक्टर उसके पीछे जो दो लगे होते हैं वो प्रोटेक्टर और जो हेयर लाइन क्या होगा बीच में जो ये हेयर बीच जो प्रोटेक्टर लगे जो ग्लास लगे उसके बीचों बीच जो लाइन होती है ये हेयर लाइन। अब मैप सेटिंग के अंदर भी हेयर लाइन का जिक्र आएगा तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे कि हेयर लाइन क्या होती है और किस तरह से अलाइन करना होता है। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्रेडिट्स, इसके अंदर जैसे हमारे पास में आ रहा है कैडेट्स हाउ टू टेक बेयरिंग, बेयरिंग कैसे लेनी है, तो कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास में एक एडिट है, हम इनको सिखा रहे हैं कैसे कि ये जो हमारा सर्विस प्रोटेक्ट जो हमारा क्या है कंपास है, ठीक है, अब सर्विस प्रोटेक्टर वाला कॉन्सेप्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कंपास है उसको क्या करेंगे, इसका जो पहले सबसे पहले इसके लीड ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो इसका थंब है रिंग है उसको थंब के अंदर डालेंगे और ऐसे प्लेस करेंगे यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, जो हमारा जो आगे कोई भी ऑब्जेक्ट बताया गया है उसकी बेयरिंग पढ़नी है, तो जो हेयर लाइन है, ठीक है, उसको बीचों बीच जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में अलाइन कर लेंगे और इस तरह से हमारी बिल्कुल ऐसे दूरी को ऐसे लगा करके आँख के आगे और क्या करेंगे उसको बेयरिंग को नापेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ओपन द लिड, उसके बाद में टर्न द प्रिज्म केसिंग ओवर। हाँ, ये चीज़ आपके पॉइंट बीच में रह गया था, क्या करना है जो आपको प्रिज्म उसको भी लिड को क्या करना है ओपन करना है, उसके ऊपर टिकाना है। पुट योर थंब थ्रू द रिंग, रिंग के अंदर थंब डालो, उसके बाद पुट योर फोर फिंगर अंडर नीथ, यानी कि उसको सपोर्ट दो, ब्रिंग द प्रिज्म अप टू द आई,
क्लोज लेके आओ उसको एंड सीधा थ्रू द प्रिज्म वाया हेयरलाइन टू ऑब्जेक्ट और रीड द बेयरिंग, उसके बाद में बेयरिंग पढ़ो, ये आपको क्या होगी कार्रवाई होगी बेयरिंग पढ़ने की। अभी क्रेडिट्स ये तो हमारे थे ट्रेडिशनल मेथड्स कि मैप सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और क्या हमारे कंपास होता है, क्या सर स्पेक्ट्रोमीटर होता है। अब मैप सेट करने का हम बता देते हैं आपको क्या होता है। मैप सेट करने के लिए क्या होता है क्रेडिट्स, जैसे मैंने आपको मैप शीट दे दी गई, हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है आर्मी का मैप रीडिंग, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल भी होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको जो मैप शीट दे दी गई, ठीक है, आपको कंपास दे दिया होगा और मान लो उनको जीआर पूछना है तो आपको जीआर वगैरह भी देंगे। हम बात करें मैप सेटिंग की, तो मैप सेटिंग क्या करेंगे, आपको एक समतल ज़मीन होनी चाहिए, आप उसके अंदर मैप को खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, वेरी गुड, कंपास। अब क्या करना है कैडेट्स, कंपास रख दिया, उसकी नीडल कहीं ना कहीं तो क्या कर रही होगी, कहीं ना कहीं तो एरो हेड जो उसका साइन कर रहा होगा, दिखा रहा होगा, तो उसको क्या करना है, नीचे से मैप को रोटेट करना है राइट साइड से, ठीक है। अब जहाँ पे क्या होगा कैडेट, जो उसका जो लॉन्गिट्यूड जो काली लाइन है वो और जो एयरलाइन है वो एक अलाइनमेंट हो जाए, उसका मतलब क्या हो जाएगा कैडेट्स, आपका वो नॉर्थ हो जाएगा और इसे क्या बोलते हैं, मैप सेट कहना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी जीआर है, ऑब्जेक्ट है, ऑन पोजिशन और मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड में भी सारे आप उससे निकाल सकते हैं। तो कैडेट्स अगर हम बात करें जीपीएस की, जीपीएस के अंदर क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट है यूएसए की, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, सैटेलाइट एंड रिसीवर, इससे जैसे हमारा ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और जब कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसे पूरा जो हमारा सैटेलाइट की मदद से हम जो दूरी वगैरह का, ठीक है, पोजीशन जो हमारा जैसे अब गूगल मैप्स के ऊपर जो होता है सारी चीज़ें इससे चलती है। तो हमारा कॉमनली यूज इन डे टू डे लाइफ है जनरल पब्लिक, ठीक है, कॉमनली यूज इन डे टू डे लाइफ है जनरल पब्लिक, लाइफ और ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद हम फिशरमैन एंड हाइकर टू नेविगेट, नेविगेशन के लिए काम होता है, आर्म फोर्सेज इनबिल्ट इट्स इक्विपमेंट एंड इन यूज इन बैटल फील्ड्स। तो पहले क्या था हमारे पास में, सिर्फ वही था, कंपास ही था, अब जीपीएस भी आ गया तो उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो है प्लान्स वगैरह बना सकते हैं और जो है दुश्मन का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा जीपीएस है वो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने जो है मिल करके इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ग्रेड से हम बात कर रहे थे मैप सेट करने की, जैसे हमने आपको बताया था किस तरह से करना है, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ओन पोजिशन, यानी कि खुद का पता करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं कैडेट्स, रिसेक्शन मेथड और हमारा जो है इंटरसेक्शन मेथड। तो हमारा जो रिसेक्शन मेथड और कंपास मेथड है इसके अंदर क्या होगा, और हमारा जो इंटरसेक्शन मेथड है इसके अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन मेथड के अंदर हम मान लो दुश्मन की दूरी का हमारे जो पोजीशन उसका पता करना, तो उसके लिए किसका करेंगे, इंटरसेक्शन पोजीशन, और मान लो खुद की ओन पोजीशन निकालें तो उसके लिए रिसेक्शन मेथड। तो अभी हम देख लेते हैं एक करके, अभी जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसी का एक बार ये रिवीजन चल रहा है आपके लिए, कुछ नहीं है। तो जैसे हमने आपको जैसे बताया था ये हमारे पास में मैप था, ठीक है, तो कैडेट्स जिस तरह से हमने ये बना लिया आपके लिए कि भाई 10, 12, 14, 16 ये आपकी ईस्टिंग लाइन हो गई और 96, 98 आपकी नॉर्थिंग लाइन हो गई। तो मान लो कोई ये पॉइंट है, आपने देख लिया कि भाई दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए ऑन पोजिशन निकालने के लिए, वो कोई आप देख लोगे कि भाई मैप पे भी है, ग्राउंड पे भी है। आपने ऐसा देख लिया कि भाई मैप पे है और ग्राउंड पे नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, या फिर जो ग्राउंड पे है मैप पे चढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1980 का मैप है, अभी तक हमारे चल रहा है, उसके बाद में डाटा अपडेट ही नहीं हुआ, तो ऐसी कोई भी उसके अंदर त्रुटि हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पुराना पेड़ हो, 100-200 साल पुराना पेड़ हो, या फिर कोई मान लो बहुत मंदिर हो, कोई बिल्डिंग हो पुरानी, तो उससे आपको क्या देखना है कि अंदाज़ा उस चीज़ को देख लेना है कि भाई दोनों जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने जैसे इसके बारे में देख लिया कैडेट्स कि ये जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इनकी हम देख लेंगे। अब एक चीज़ और है कैडेट्स, इनके बीच में 30 से 180 क्या होना चाहिए, एंगल का थोड़ा क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम इन एंगल इन चीज़ों को लेंगे, तभी हमारा इंटरसेक्शन और रिसेक्शन मेथड जो है वो कारगर है। तो कैडेट्स इसका अंदर हम क्या करेंगे, इनकी जो डिग्री पढ़ लेंगे, किससे पढ़ेंगे बताओ, बताओ किससे पढ़ेंगे, अरे भाई मैप के अंदर तो सर इस प्रोजेक्टर से पढ़ लेंगे, हम बात करें किसकी, अरे सामने जो उसका देखना है कंपास से, तो हम किससे पढ़ेंगे, वेरी गुड, कंपास से हम उसकी बेयरिंग पढ़ेंगे, तो उसकी बेयरिंग पढ़ेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब वो क्या होगी, आपकी ग्रिड बेयरिंग होगी या फिर आपकी जो है मैग्नेटिक बेयरिंग होगी, तो क्रेडिट्स वो क्या होगी आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग होगी, वही आपकी क्या होगी ग्रिड बेयरिंग हो जाएगी। तो इससे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्रेडिट्स 180, मान लो या तो इससे कम है या इससे ज़्यादा है। अब 180 से कम अगर कोई आ रहा है तो उसके अंदर आप क्या कर देंगे, 180 जोड़ देंगे, ठीक है। अब मान लो 180 से ज़्यादा आ रहा है तो 180 उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी,
बैक बेयरिंग हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बैक बेयरिंग का जो। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट्स, जैसे आपको मान लो ये, मान लो आपने निकाल लिया, ये लाइन खींची आपने, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्शन, ये दिख रहा होगा क्रेडिट्स आपका इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया आपकी ऑन पोजिशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको दुश्मन का निकालना और जो आपका इंटरसेक्शन मेथड उस तरह से आपका निकाल सकते हो। तभी इसके अंदर देख लेते ये क्या कहानी कह रहे हैं, रिकॉग्नाइज थ्री प्रोमिनेंट, हमने जो आपको दो बताए तीन ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दो ले लो वो भी चलेगा, 180 और 30 अपार्ट होने चाहिए। हमने आपको पहले बताया कॉन्सेप्ट, ये जरूर आपको याद रखना और उसके अंदर मेंशन करना अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। और 30 पॉइंट लेंगे और ग्रिड बेयरिंग देख लेंगे उनके बाद में, बैक बेयरिंग देख लेंगे, 30 पॉइंट्स मस्ट बी प्लॉटेड एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द रिक्वायर्ड पोजिशन, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं वही क्या आपकी ऑन पोजिशन है, ठीक है। आगे क्रेडिट्स ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू डू एन एक्यूरेट रिसेक्शन, ठीक है, थ्री और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप अच्छे से करना चाह रहे हो तो दो तीन या तीन से ज़्यादा ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो भाई। थ्री रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, ए ट्राइंगल ऑफ एरर इज ऑब्टेन, ठीक है, द सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ एयर ऑन पोजिशन। कई बार क्या होता है हमने तीन जैसे दो ले रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना, लेकिन मान लो तीन ले ले तो इंटरसेक्ट नहीं करे, ट्राइंगल बन रहे उसके बीच का तो सेंटर ले लिया, वही आपके ऑन पोजिशन हो जाएगा, तो इन्होंने बताया। अब बात कर ले तो जो हमारा इंटरसेक्शन मेथड है इसके अंदर क्या होगा, मेंट केयरफुल एंड डिटेल स्टडी ऑफ द ग्राउंड एंड फीचर बोथ ऑन द मैप एंड द एयर, की वही आपको कहानी फिर से रिपीट करनी है। फिर द सेटिंग मैप करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ जनरल एरिया ऑन पोजीशन ऑन द मैप से। आप करीट साहब से पूछ सकता है मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप ये क्या होता है। मैप टू ग्राउंड यानी कि आप मैप की मदद से ग्राउंड के ऊपर आगे मार्च करना चाह रहे हो, या फिर ग्राउंड टू मैप यानी ग्राउंड पे कोई चीज उससे आप मैप के ऊपर आना चाह रहे हो भाई हम कहाँ हैं, ठीक है, तो ये आपका मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप हो गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ मैप ऑन ग्राउंड इज नोन एज मैप टू ग्राउंड, यानी कि डिटेल्स ऑफ मैप ऑन ग्राउंड, मैप से हम किस पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। मान लो मैप पे हमने देखा कि ये मंदिर है, उसकी मदद से हम मंदिर पे जा रहे हैं, यानी कि मंदिर की दिशा दूरी और डिग्री देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मैप टू ग्राउंड। हम बात करें फॉलोइंग यूज टू मेथड्स, कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स यूज होंगे तो देख लेते हैं, बेयरिंग एंड डिस्टेंस मेथड यानी कि असर और दूरी, उसका जो डिग्री में आपकी हम उसको देख सकते हैं। फिर हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेथड यानी कि दिशा और दूरी देख के उसका पता कर सकते हैं। फिर बाय एस्टिमेशन मेथड यानी कि अनुमान भी लगा सकते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा मैप टू ग्राउंड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड टू मैप, इसका जस्ट उल्टा कर लो क्रेडिट्स, क्या हो जाएगा, टू फाउंड आउट एन ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड ऑन ग्राउंड ऑन द मैप, यानी कि ग्राउंड पे कोई चीज़ हमें दिख गई, मान लो ग्राउंड पे हमारे को कोई मंदिर दिख गया, जैसे जय श्री राम मंदिर दिख गया, उसको अपन किस मैप पे देख रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे जो अयोध्या वाला जो मंदिर है, जो भव्य राम मंदिर बना है, ठीक है, वो आपको जैसे पुराना कोई हमारा जो है 1980 पहले से बना हुआ है, तो ये बड़े इसमें राइट्स चल रहे थे, तो अभी जो भव्य मंदिर है वो तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो पॉइंट है वहाँ पे आपको जरूर दिख जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं क्रेडिट्स, जो वो मैप पे जो हम ढूंढ लेंगे उसको, कि पहले ग्राउंड पे हमने देखा कि मंदिर है, तो उसको मैप पे ऊपर देखेंगे, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, ग्राउंड टू मैप जा रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप। तो ये क्रेडिट्स हमारा जैसे मैप सेटिंग हो गया, ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड, और उसके बाद में सारी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास में आता है गूगल मैप्स, एडवांस हो गए भाई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो कुछ नहीं, इसके अंदर क्या है, गूगल मैप इज ए मैप मैपिंग सर्विस डेवलपमेंट बाई गूगल, गूगल की एक सर्विस है, ठीक है, आपका जो है ये सैटेलाइट की मदद से क्या होता है, स्ट्रीट व्यू भी देता है, रियल टाइम ट्रैफिक के बारे में बताता है, और जो आपका रूट प्लानिंग ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हो, कार बाइसाइकिल फूट ये सारी चीज़ें उसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा जैसे सर्च मारते हो कितनी डिस्टेंस पे है, क्या डायरेक्शन है, सारी चीज़ें आपको आजकल पता लग जाती है। गूगल मैप्स क्या होता है, सैटेलाइट व्यू देता है, टॉप डाउन और बर्ड आई व्यू, यानी कि आप बिल्कुल उसको रोटेट कर करके आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, तो ये उसके अंदर सैटेलाइट व्यू, टेरेन व्यू, सारे उसके अंदर व्यू होते हैं, तो आप उसको आप आराम से जो आप एयरक्राफ्ट फ्लाइंग वाइल मोस्ट अदर इमेजरी इज होम सैटेलाइट्स, तो आप उसको अच्छे से जैसे आप देख सकते हो भाई आपका घर कहाँ है, ठीक है, आपकी स्कूल कहाँ है, आपके कॉलेज कहाँ है, और हम कहाँ हैं, ठीक है, तो आप पता लगाइएगा कि हम कहाँ हैं, और ऐसे तो आप उसके अंदर सैटेलाइट व्यू से आप देख सकते हैं। इसके बाद में क्रेडिट्स आता है गूगल मैप्स की क्या उपयोगिता है, किस तरह से उनका उपयोग होता है एप्लीकेशन, तो डायरेक्शन एंड ट्रांजिट और बिजनेस लिस्टिंग्स, तो ये इसके अंदर जैसे हमारा डायरेक्शन मान लो हमें यहाँ से उत्तराखंड जाना है, नैनीताल घूमने जाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्च मारेंगे, अच्छा जितना दूर है तो हम किससे जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए, ट्रेन से जाना चाहिए, किसी दूसरे के अंदर ये भी दिखा दे कितने घंटे पहुँचोगे, कौन सी ट्रेन कहाँ मिलेगी, सारी चीज़ें आपको गूगल मैप क्या है प्रोवाइड करवा रहा है। अब एक जो दूसरा आता है बिजनेस लिस्टिंग्स, जो हमारा लोकल जो बिजनेसेज होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल के ऊपर लिस्ट करवाते हैं अपने आपको, उनको बोलते हैं, पहले तो होता था गूगल माई बिजनेस, उसको चेंज करके अभी क्या कर दिया गया, GBP गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो ये क्या करते हैं उनके ऊपर लिस्ट करते हैं, फिर हम मान लो सर्च मारते हैं स्कूल नियर मी, तो क्या आ जाएगा, नियर बाय जितने भी स्कूल होंगे जो उसके ऊपर लिस्टेड आ जाएंगे। मैंने सर्च मारा रेस्टोरेंट नियर मी,
तो उसमें क्या आ जाएगा, जितने भी आसपास के जो एरिया में रेस्टोरेंट होगी वो आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं छोटे जो स्मॉल लोकल जो बिजनेस होते हैं वो हमारे लिस्टिंग करवाते हैं। फिर जैसे इंडोर मैप का कॉन्सेप्ट आया, एक जैसे आपका स्ट्रीट व्यू आया इंडोर मैप्स, इसमें क्या हुआ कैडिट्स, जैसे मान लो हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप इसको अगर गूगल पे डालोगे तो आपको पूरे लोकेशन का पता चल जाएगा हमने क्या सेटअप कर रखा है, यानी कि आपका जो 3D व्यू है, अंदर का जो व्यू है, यानी अंदर घुस के, ठीक है, गूगल मैप्स गिविंग यूजर्स टू एबिलिटी टू नेविगेट देमसेल्फ विद इन द बिल्डिंग्स, अंदर घुस के अगर आप पता चल रहा है, ये भी गूगल की मदद से आप कर सकते हो। ये तो आपको जो है आपके जो मान लो गूगल जो बिजनेस प्रोफाइल जो बनाने वाले, यानी कि गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी होती है, वो कुछ एजेंट्स होते हैं वो ये सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो आता है गूगल लोकल गाइड्स, अब ये इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है क्रेडिट्स, मान लो कोई भी आप हो कोई भी हम है तो कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अब हमने गूगल का यूज़ किया तो हम क्या चाहते हैं गूगल कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, तो हमने क्या किया वहाँ की को मान लो अच्छा सा खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में उसकी फोटो डाल दी, वो क्या हो गया मैं गाइड हो गया किसी और के लिए कि भाई मैंने यहाँ अच्छा खाना मिलता है यहाँ आया आप भी आ सकते हो, तो उसको गाइड, तो ये क्या हो गया गूगल लोकल गाइड। इसके प्रोग्राम लॉन्च बाय गूगल मैप्स टू यूजर्स टू कंट्रीब्यूट टू गूगल मैप्स एंड प्रोवाइड देम एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जिससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कोई आपके पिन वगैरह मिल जाती है, कोई बैग मिल जाते हैं, मोजे मिल जाते हैं, आपके कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। इनके अंदर लेवल होते हैं 5-star, 3-star, ये जो भी होता है आपका, तो ये गूगल लोकल गाइड्स हो गया। फिर हमारे पास में आता है क्रेडिट्स, ये आपका जो मोबाइल ऐप है, तो गूगल का आप देख रहे हो कि आपके मोबाइल है जैसे योर लोकेशन और आपको जहाँ जाना है और ये जो पूरा आपको दिखा देगा, ठीक है। तो गूगल मैप्स अवेलेबल है मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आप दोनों ही जगह पर आपको अवेलेबल है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्रेडिट्स फीचर्स, इनकी गूगल मैप की जो ये अलग अलग जो ऐप्स हैं इनकी विशेषताएं क्या है, तो नेविगेशन होता है, स्ट्रीट व्यू, पब्लिक ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी हमें मिल जाती है, भाई कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा तो हमें कौन सा रास्ता बदलना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। न्यू ऑफलाइन फंक्शनलिटी, अब आजकल क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा हो या फिर कई बार आपको हो सकता है कि भाई नए एरिया में जा रहे इंटरेक्शन इंटरनेट की प्रॉब्लम आ सकती है आपको लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ऑफलाइन उसको मैं आपको पहले ही डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको फैसिलिटी बाद में मिल जाएगी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा फाइंडिंग पार्किंग लोट्स, ये 2017 में इन्होंने एक नया इसके अंदर लॉन्च किया कि आप पार्किंग कहाँ है और किस तरह से आपको लोट्स, तो वो भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। फिर आपका जो टू व्हीलर मोड है, ठीक है, कि भाई साहब टू व्हीलर्स के लिए कार्स के लिए आपने देखा होगा जो हमने आपको पीछे दिखाया था उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो वो इन्होंने लॉन्च किया। अब क्रेडिट्स बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की, तो इसकी जो एंड्रॉयड और जो iOS दोनों ही जो यूज़र से क्या है इसके एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपका गूगल हैंड राइटिंग, आजकल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह आप स्क्रीन पे कुछ भी लिखोगे ग्लाइडिंग वाला वहाँ पे आता है तो आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में क्रेडिट जैसे ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स, ये भी इसके अंदर आपका होता है कि भाई ट्रस्टेड कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं उन्हीं को आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, जैसे गूगल ट्रिप्स, ये भी होता है आपका भाई कहाँ कहाँ आप गए आप उनको यहाँ पे लिख सकते हो और रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। गूगल आर्ट एंड कल्चर, ये अलग अलग जो इसकी फैसिलिटी बता रहे हैं हम गूगल की भाई क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे गूगल हैंड राइटिंग है, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स वाला है, गूगल ट्रिप्स है, ये अलग अलग ऐप्स है इसके। गूगल आर्ट एंड कल्चर पर आप जो भी अलग अलग कल्चर है यहाँ पे जो अपने इंडियन है या फिर जो फॉरेन है हर कल्चर को आप क्या कर सकते हो विजिट कर सकते हो। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, आजकल क्या होता है क्रेडिट्स, जैसे हमने सुना होगा एनी डेस्क एक ऐसा ऐप होता है जिसकी मदद से आप किसी के भी कंप्यूटर के अंदर झांक सकते हो और उनके पूरे डाटा एक्सेस कर सकते हो। इस तरह क्या होता है आपका गूगल रिमोट डेस्कटॉप, अब क्या होता है मान लो आप दो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मान लो हस्बैंड बाहर काम करते हैं और वाइफ अपने घर पे मान लो काम कर रही थी, बीच में क्या होगा कोई प्रॉब्लम होगी इसमें कंप्यूटर में समझ नहीं आ रहा कुछ, तो वो बोले आजकल तो वीडियो कॉल की फैसिलिटी हो गई है लेकिन वीडियो कॉल मान लो इंटरनेट सही से नहीं आ रहा तो वो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन आती है अपनी गूगल की, तो आप उसको चलाओगे तो हस्बैंड वहाँ से पूरा देख लेंगे भाई उनको बता देंगे जल्दी से उनका काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है रिमोट से दूर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स, अब क्या होता है गूगल नए नए प्रोडक्ट लाता रहता है और जो हमारे बिजनेस जो होते हैं उसके ऊपर लिस्ट उनके बारे में क्या पूछता रहता है, हमारे जो ओपिनियन जानता रहता है उसी से हमारे कुछ जो टोकन वगैरह देते हैं, तो ये गूगल रिवार्ड्स हो जाता है। हमारे पास में एंड्रॉयड ऑटो, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह के लिए जो हमारा क्या होता है एंड्रॉयड ऑटो इन्होंने रिलीज़ किया। फिर हमारा वॉलपेपर्स, अलग अलग वॉलपेपर इमेजेस आप लगा सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ क्या है हमें गूगल प्रोवाइड करवा रहा है। तो क्रेडिट्स इस तरह से हमारा जो मैप रीडिंग है वो खत्म होता है। इसके अंदर आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल भी होगा रिटर्न भी होगा, तो क्रेडिट्स वी होप दैट आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड ला सके। तो क्रेडिट्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।